गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ आज पुनः मैं सोनू सरोज आपके बीच में उपस्थित कुछ विशेष जानकारियों के साथ। और लखनऊ के साथी अभी भी परेशान हो रहे हैं, उन्हें मैं फिर पुनः जो है इसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट दे दूं। और आज जो सुनवाई की डेट लगी थी एक याचिका की माननीय डबल बेंच में, उसके विषय में आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी जाए। तो जितने भी हमारे साथी हैं फटाफट जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहली और अहम बात ये कि आप सभी को पता था कि उत्तर कुंजी प्रकरण जो है वो किसी कारणवश, चाहे जो भी कारण रहा हो, चाहे वो किसी प्रकार से अधिवक्ता महोदय से गलती रही हो या रजिस्ट्रार महोदय से गलती रही हो या कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा हो, जो भी रहा हो, वो जहां भी जाकर के भूलवश लग गया है वो अलग बात है, तो उस पे हियरिंग की जो संभावनाएं हैं वो प्रेजेंट टाइम में ना के बराबर है। लेकिन मैं भी फिर भी अगर कोर्ट बैठती है, लिंक अवेलेबल होते हैं अधिवक्ता महोदय के पास, तो ये चीज़ वहाँ जो है प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके विषय में बताया जाएगा, सारा डाटा बताया जाएगा, इलाहाबाद के बारे में, सिंगल बेंच के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, फिर वो जो है नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए जो अप्लाई हो जाएगा। तो सुनवाई आज मान के चलिए 99% नहीं हो सकती, मे भी 1% संभावना है, तो उसमें यही होगा, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, कोई हियरिंग देखने को नहीं मिल जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बड़ी चीज लखनऊ बेंच में लेटेस्ट अपडेट, तो लखनऊ के साथियों को बार बार एक चीज समझाया जा रहा बहुत बारीकी से कि दोस्त प्रेजेंट टाइम आप सिंगल बेंच से हार चुके हैं। सिंगल बेंच इलाहाबाद में जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं लखनऊ को प्रभावित कर सकता है, इस वजह से लखनऊ में बहुत सोच समझ के कार्य करना होगा। इस बात को आप समझें, आप पढ़े लिखे और ट्रेंड हैं, सभी साथी BTC BEd शिक्षा मित्र हैं, सब हर चीज जानते हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती है। सरकार भी चाहती थी यही कि हमें बस मौका मिले, एक गलती का फायदा उठाएं, हम ये आदेश को वहां भी अप्लाई करा के जो थोड़ी बहुत बची खुशी चीजें हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। इसलिए अभी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है कि वहां सुनवाई कराई जा सके। आप डबल बेंच में जब अपनी याचिका को स्टैंड करा लेंगे, यहाँ हियरिंग होगी और यहाँ आप बेहतर कर पाएंगे, तो यहाँ के आदेश को वहाँ आप करा सकते हैं। लेकिन लखनऊ बेंच की हियरिंग आप समर वैकेशन के बाद, ये जो छुट्टियाँ चल रही हैं जून में, आज कितना दिन बचा ही है अब, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, अधिवक्ता महोदय का जो पैनल है, अधिवक्ता महोदय का, वो अपने स्तर से लगा हुआ है। अभी पूरा का पूरा फोकस इलाहाबाद डबल बेंच में लगा के रखा गया है कि हम डबल बेंच में गलती ना करें, क्योंकि डबल बेंच में अगर गलती हुई तो फिर रास्ते कई बंद हो जाएंगे और हम बहुत बुरी तरह से जो है पीछे धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार कहीं से भी एक भी पॉइंट अगर गलत पाती है तो हमें और आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी साथियों से बस इतना कहना चाहूँगा, वेट करना पड़ेगा लखनऊ के लिए भी थोड़ा सा आपको, क्योंकि जल्दबाजी में एक भी चूक हो गई तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। हमने और आपने मिलके जो प्रूफ इकट्ठा किया है, वो प्रूफ जो आपने सॉलिड इकट्ठा किया है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए बस इतना ही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा वेट करना ही होगा आपको, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हमें पता है कि आप कई सालों से धैर्य रखे हैं, आप हम लोगों को भी तो सोचें, हम लोगों का भी तो वही कार्य है, हम लोगों का तो भाग दौड़ भी लगा हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि सारी टीमें जो हैं पता नहीं क्या कर रही, कुछ कर रही कि नहीं कर रही है। दोस्त, आप घर में रह के करना कहना बहुत बड़ी बात होती है, थोड़ा सा बाहर तो निकलो यार इस कोविड में, आपको जमीनी स्तर की सच्चाई समझ में आ जाएगी, कहीं जाने में क्या हाल होता है। दोस्त, कहीं पानी नहीं पी सकते आप, किसी शॉप पे रुक करके पानी नहीं पी सकते आप, एक मतलब डर इतना बना रहता है कि आप पानी कहाँ पियेंगे। सुबह घर से पी के निकलो, पानी लेके निकलो, शाम को वापस आओगे तभी पानी पी सकते हो। रास्ते में पानी पीना खतरे से खाली नहीं होता है, आप किस शॉप पे है, आप कहाँ संक्रमित हो जाए कुछ पता नहीं है, जबकि टीम का हर एक मेंबर एक एक बार संक्रमित हो चुका है, इसके बावजूद भी अगर लगा है तो थोड़ा सा जो है आप सभी को भी सोचना चाहिए इस बात को। किसी प्रकार का कटाक्ष या ऐसे उलूल जुलूल बातें करने मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा शोभा देता है। बाकी आप सबकी स्वेच्छा,
आप सब बोल सकते हैं, आप सबका अधिकार है। अगर आप सबको लगता है कि आप लोगों ने फीस दे रखी है अपनी याची की, तो फिर आपने आपको हर चीज़ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बनती है, तो भाई आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप बोलें, आपकी मर्जी। लेकिन जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से जूझना पड़ता है, वो बताना पड़ता है। हालांकि कभी इन समस्याओं को बताया नहीं गया, लेकिन बताने का मेन मकसद ये रहा दोस्त की स्थितियों को आप समझें थोड़ा सा। अभी पूरा फोकस इलाहाबाद डबल बेंच में है। यहाँ जैसे ही स्टैंड हो जाती है एक बार याचिका, स्थिति हमारे अनुकूल हो जाती है, तो हम डबल लखनऊ में भी अपने इसी बात के साथ जो है पूरे जोरदार तरीके से बहस कराएंगे। इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। और उत्तर कुंजी प्रकरण के लिए पहले भी टीम खड़ी थी, आज भी खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और कुछ साथी कह रहे थे कि कुछ टीम मेंबर्स ज़्यादा नंबर से पीछे रह गए हैं, कुछ मेंबर्स जो है कम नंबर से पीछे रह गए हैं। तो आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, जितने भी टीम मेंबर्स हैं और जो भी लीडिंग याचिका करता है, सबके नंबर 1, 2, 3, 4 के आसपास हैं, सबके सब। ठीक है, किसी के 2 कम है, किसी के 3 कम है, किसी के 1 कम है, यही कंडीशन है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप सभी को बतानी थी। आशा करते हैं आप तक ये सूचना पहुंच गई होगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष जानकारी के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।